ये सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे आप? चिमूने लड़ रहे हैं। इस डिश में कितनी की मिर्चें हैं? बहुत ज्यादा, इतनी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने कोताओ का टूर बुक करवाया हुआ है, हम वहाँ करने जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एक और मसला छोटा सा है कि हमारी वैन वाला इंतज़ार कर रहे हैं, हम लेट हो चुके हैं क्योंकि मैं ज़रा झूले ले रहा था और सब नाश्ता कर रहे थे, नहा रहे थे। तो अब मैं सबसे पहले जाके अपनी सीट मलूँगा और फिर आगे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मैं तो पहले स्विमिंग करूँगा। ड्राइवर इस टाइम फुल गुस्से हो रहा है कि आप लोग तुसी राती सोंदे क्यों नहीं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं सोए, तुसी टाइम च आके क्यों नहीं बैठे थे। ये बांध रहे हैं ताकि हमारी निशानी रहे कि हम इनके साथ गए हैं, वहाँ पता चल जाए इनको। हम सारे येलो येलो आ जाओ। वो कह रहे हैं नाम नूम लिखो अपना कि चेक गवाच ना जाना। ओए सारे इसी पे लिखने हैं, इस पे भी लिखने हैं, उसी पे लिख ले फिर। चल हमने जो टूर बुक किया है उसमें सबसे पहले नाश्ता भी इनकी तरफ से है, लंच भी इनकी तरफ से है। लेकिन क्योंकि हम लेट पहुँचे हैं और कोई ऐसा खास ना सीन भी नहीं है यहाँ पे, है ना, नाश्ते का सीन इसलिए खास नहीं लग रहा क्योंकि हमारे होटल का जो नाश्ता वो ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है। ये भी ठीक ही है, मतलब हाँ सही है। बड़ी नहीं लता लता पहिया उसे लला। अच्छा वो तीन फेरीज खड़ी हैं, अब पता नहीं उनमें से हमारी कौन सी है। योगेश उमेर वहाँ से पानी में से गुजर गया, बंदर जाना है। उमेर कह रहे हैं मैं उतार देखो भी देखो। उमेर कह रहा है मैं उतार लूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। लेकिन ये कि मेरे कपड़े गीले होंगे। लाइट लिया हुआ अगला कह रहा है मुझे। चलो आओ चले आए, ये फायदा है कच्चे का, कच्चा प्लस चप्पल जहाँ चांस मिले पहन ली। ओ ये टपता ही जाता है। 9 बजे बोट्स ने चलना स्टार्ट करना है और हम तकरीबन रेडी हैं। उमेर ने जॉगर उतार लिया है क्योंकि काफी गहरा पानी है यहाँ पे। काफी नहीं मतलब कि इतना है कि कच्चे शच्चे गीले हो सकते हैं आपके। क्या कह रहे हो उमेर? शूज बड़ा औखा है संभालना तुझे। जल्दी जल्दी में स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक कच्चा होना चाहिए और चप्पल होनी चाहिए। The crew for you to surf you for today to make you happy. Thank you. Thank you. तकरीबन एक घंटे की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं कोताओ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं व्यू कितना जबरदस्त है। यहाँ पे लोगों ने स्नॉर्कलिंग यहाँ पे लोगों ने बहुत एंजॉय करना शुरू कर दिया है। लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, नीचे व्यू देख रहे हैं, हम भी रेडी हो रहे हैं। जरा हमारा पहला एक्सपीरियंस है, हम थोड़े से डरे हुए। रस्ते में आते हुए इतना जबरदस्त किस्म का सीन था ना, मैं बता नहीं सकता आपको, कि ऊपर से घने काले बादल, बारिश हो रही थी और वेव्स बहुत ज़्यादा बन रही थी पानी में। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब हम स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं कोताओ में। आज हमारी 3 स्नॉर्कलिंग है, 3 स्पॉट्स कवर करने हैं हमने। अभी पहला है, एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये जगह है। इस जगह पर हम बोट से काफ़ी दूर आ चुके थे, हम हल्की पुल्की भी कोशिश करते थे तो पानी हमें पीछे ले जाता था। फिर एकदम बोट की सीटी सुनी तो हमने कहा यार टाइम हो गया, जल्दी 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 करके उस तरफ चलो। और हमने अपनी पूरी जान लगाई, हम थोड़ी जान लगाते थे और थोड़ी देर बाद देखते थे तो डायरेक्शन कोई और ही होती थी। तो उस टाइम दुआ की कि इस बार बोट तक पहुँच जाएँ, अगली दफ़ा इस तरह नहीं करेंगे। पहले एक्सपीरियंस की कुछ खास समझ नहीं आ रही, अच्छा भी बहुत लगा लेकिन उसी जगह पर डर भी लगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारा सेकंड स्पॉट है, हम यहाँ पे स्नॉर्कलिंग नहीं कर रहे, ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। अब कोताओ में हमारी लंच ब्रेक है, भूख भी लग रही है और हम कोताओ पहुँच गए हैं। खाना पीना उड़ा चुके हैं और अब हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे आप? चिमूने लड़ रहे हैं क्योंकि वही कच्चा पानी में था, वही कच्चा, अब सीट पे बैठे नहीं जा रहे। कच्चियाँ करनी है गीली और अब इन्होंने बस हिसाब किताब ठीक नहीं रखा अपना। तू भी जम के ही बैठा मुझे लगी वो भी देखो बहुत कड़वी है। खाना खाने के बाद अब हम अपने थर्ड एंड लास्ट स्पॉट है मेरे ख्याल से स्नॉर्कलिंग का, वहाँ जा रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि होना तो यही चाहिए कि पहले सबसे पहले इन्होंने जो स्पॉट दिखाया वो सबसे कम अच्छा होना चाहिए, दूसरा उससे अच्छा, और थर्ड वन जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
क्योंकि दूसरा हमने मिस कर दिया था, थर्ड अच्छा तो होना चाहिए। देखते हैं चल के। आज का हमारा थर्ड स्पॉट को नामयोंग आइलैंड है, और मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम थाईलैंड के में डिसाइड कर रहे थे ना कि हमने क्या क्या देखना है, तो ये आइलैंड बिल्कुल भी हमारी लिस्ट में नहीं था। लेकिन ये सीन देख के मुझे लग रहा है कि अगर हम ये मिस कर देते तो एक बहुत खूबसूरत आइलैंड और थाईलैंड का हिस्सा हम मिस कर देते। तो मुझे यहाँ से ये देखें बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना खूबसूरत पाथवे है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें देख के लग रहा है कि ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होने वाला है। इस और हम आज के लास्ट एंड सीम्स टू बी द बेस्ट स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना क्लियर पानी है, कितना क्लियर हुए हुए है, जबरदस्त। वो क्रैब बैठा है और ये व्यू है यहाँ से। ओए होए होए क्या जबरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ से। ये वाकई बहुत प्यारा और छोटा सा आइलैंड है। उन्होंने अभी बताया कि ये एक प्राइवेट आइलैंड है जो कि किसी एक बंदे ने लीज पे लिया है गवर्नमेंट से। और मैं कहता हूँ कि ये देखिए बीच, देखिए कितना प्यारा बीच है। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत छोटे से पहाड़ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। आप ये बुक भी करवा सकते हैं, यहाँ पर रह भी सकते हैं और इस आइलैंड को प्योरली इंजॉय कर सकते हैं। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास एक घंटा है, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर स्नॉर्कलिंग करेंगे, क्योंकि दरमियान वाली जो मिस कर दी थी। सब लोग बोट पर पहुंच चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि पूरा घंटा इतनी अच्छी तरह यूटिलाइज करें कि जो कुछ यहां पे देखें वो एब्जॉर्व कर लें, क्योंकि आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अगर आप मुझसे रिव्यू लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड में ये आइलैंड जन्नत का एक हिस्सा है। मैं कहता हूँ कि ये इतना खूबसूरत इलाका था कि आप जब भी थाईलैंड आए, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो मैं कहूँगा कि आपने कुछ भी नहीं दिखाया। सनसेट के टाइम हम वापस कोसमुई पहुंच चुके हैं और अब हम जरा पूल एंजॉय करेंगे। पूल शूल एंजॉय करने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हमने सोचा कि जरा रेस्ट कर लेते हैं, कोई नहीं कल का डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है। लेकिन फिर सोचा कि कुछ घंटे रह गए कोसमुई में, हम इसको ही एंजॉय करते हैं। तो अब वो पीछे पेट्रोल डलवा रहे हैं हमजा और अरसलान, और हम कुछ हलाल ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। किस हिसाब से डला है? 292 पाकिस्तानी रुपीस पर लीटर। अभी जब पाकिस्तानी तो कहते थे कि साढ़ा ही बहुत महंगा। सिर्फ इस डिश में कितनी की मिर्चें हैं? बहुत इतनी। यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं बगैर पेट्रोल? फ्री टिकट। बहुत ज्यादा मिर्चें हैं। ओए होए बर्फ आई है, कोई सुकून लगा है। स्टार्ट करने की क्या जरूरत है? जिन्नी मिर्चा खाई है सी सी करते हुए हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं और रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।